वेलकम टू फातिमा ब्यूटी चैनल। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको रिव्यू दूंगी माना ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से, जो कि मैंने ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से ऑर्डर की हैं। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है उनकी क्लैरिटी क्रीम, जो कि बॉडी क्रीम है। इसके अलावा सेकेंड प्रोडक्ट है फ्लोरल मिस्ट हाइड्रेटिंग फेस टोनर। थर्ड प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, कैंडी पिंक एलिफेंट चिक स्टेन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन प्रोडक्ट इज़ वाइट टी अंडर आई क्रीम, जो कि डार्क सर्कल्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्लैरिटी क्रीम के बारे में। इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट पैकेजिंग है इनकी, इन प्रोडक्ट्स की। एंड जो क्रीम है वो कुछ इस तरीके से है। ये लोग क्लेम करते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो हैंड ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं। एंटी ऑक्सीडेंट मल्टी वाइटामिन फार्मूला है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, पहले मैंने इसको यूज़ किया है, फिर ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तकरीबन 3 वीक्स में मुझे हो गए इसको यूज़ करते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, फ्लॉरिश स्मेल है इसमें, स्वीट वनीला एंड मुख्तलिफ फ्लावर्स वगैरह की इसमें लाइट सी स्मेल है। आप अगर इसको लगाएंगे तो बहुत ही आपको प्लेजेंट फीलिंग होगी, और उसके अलावा स्किन बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ही सॉफ्ट एंड रेडिएंट स्किन हो जाएगी जब भी आप इसको लगाएंगे। और ये कि स्किन को वाइट भी करता है, इसमें मुख्तलिफ मल्टी विटामिन जो है फ्लावर एक्सट्रैक्ट है और एसेंशियल ऑयल है। तो मैं आपको ये बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये क्रीम लें और यूज़ करें, और इसकी जो भी रिज़ल्ट हैं वो आप हमें बताएं कि आपको कैसी लगे। सेकेंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है इनका लिप एंड चीक स्टेन, ठीक है। ये कैंडी पिंक कलर का है, जो कि अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली। इससे पहले रोज़ पिंक था, वो भी मेरा फेवरेट था, वो भी बहुत अच्छा था, बट इनका जो ये नया है इसलिए मैंने इसे ट्राई किया। तो मैं आपको इसको चेक करवा देती हूँ कैसे है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली इसको हैंड ब्लेंडेड प्रोडक्ट है, इसको ऑर्गेनिकली बनाया गया है। इसमें जो है इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। इसमें एवोकाडो ऑयल है, ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा जेली, विटामिन ई, हाइड्रोलिक एसिड, फ्लोरल वाटर, पिंक रोज नेचुरल मिनरल कलर है, रोज़ एब्सोल्यूट एसेंशियल ऑयल, एंड इसके अलावा चैमोमाइल एसेंशियल ऑयल भी है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये कि कुछ होता है कि कई लोग ब्लश ऑन्स वगैरह या अदर लिप एंड चीक स्टेन लगाता है तो उनको जो है अगर दाने या सेंसिटिव स्किन है उस पर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। ये इसका ड्रॉपर है, ये लिप एंड चीक स्टेन का ड्रॉपर है, ठीक है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से होता है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं बहुत नेचुरल लुक देता है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया, ये आपका अपना ही कलर लगता है। तो आप इसको देखें, यूज़ करें और हमें बताएं कि आपको कैसा। थर्ड प्रोडक्ट इज़ माना आई क्रीम। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं कि कितनी इसकी प्रिटी पैकेजिंग है, एंड ये कुछ इस तरीके से है। मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आई क्रीम है, जिन लोगों के डार्क सर्कल्स हैं आई में ये उसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। मैंने इसको ख़ुद यूज़ किया है अबाउट 3 वीक्स, और इसके रिज़ल्ट बहुत विजिबल हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस का प्रॉब्लम है अंडर आई में तो आप इसको यूज़ करें, आपको विजिबल रिज़ल्ट नज़र आएंगे और आपके जो भी डार्क सर्कल्स हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ फ्लोरल मिस्ट हाइड्रेटिंग फेस टोनर। ये बहुत ही अच्छा एक फेस टोनर भी है, ठीक है। एंड ये मिस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप जब भी अपना फेस वॉश करें तो उसका स्प्रे अपने जो है
आप इसको स्प्रे के तौर पे अपने मुंह पे कर सकते हैं, तो ये आपके फेस को टोन भी करेगा, एज अ टोनर भी काम करेगा, और अगर आपके पोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन है तो ये उनको भी क्लोज कर देगा, जो कि एक टोनर करता है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पीछे इसके तरीका लिखा हुआ है कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। एसेंशियल ऑयल्स एंड फ्लोरल वाटर टू हाइड्रेट एंड ब्राइटन योर स्किन। एंड जो इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं वो एक्वा वाटर, ग्लैसरीन, एलोवेरा लीफ जूस पाउडर, ऑरेंज फ्लावर वाटर, रोज़ फ्लावर वाटर, बर्गेमोट ऑयल, इंग्लिश लेवेंडर ऑयल, जेरनियम ऑयल, रोमन चैमोमाइल ऑयल, वाइट टी लीफ एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोलिंक एसिड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद भी फील होगा कि ये कितना अच्छा है आपके फेस के लिए, और एक बहुत रिफ़्रेश फीलिंग होती है इसे आप जब यूज़ करते हैं, और आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट करने लग जाता है, और एक स्किन जो है ना फर्म हो जाती है आपकी। अगर आपकी एज 25 अबव है या 30 के करीब है, उससे ज़्यादा आप इसको यूज़ करें तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके चेहरे पे रिज़ल्ट लेके आएगा, और आपका चेहरा आप ख़ुद भी महसूस करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस आपके चेहरे पे आ जाएगी, और स्किन भी अच्छी हो जाएगी, एंड एज एन टोनर एंड मिस्ट आपके आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये वो चारों प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने माना की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किए हैं, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है इनके हवाले से वो बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये क्रीम जो है, वैसे अभी तो सेल आई हुई थी तो मैं फिर भी आपको इनकी प्राइसेस बता देती हूँ। क्लैरिटी क्रीम जो है वो मुझे 500 समथिंग की कुछ मुझे मिली है। इसके अलावा ये जो अंडर आई क्रीम है ये 1000 के अंदर अंदर है, एंड ये लिप एंड चीक स्टेन जो है ये मुझे मिला है 1000 से अबव, यानी 1100 समथिंग का है ये, एंड दिस फ्लोरल मिस्ट इज़ फॉर 900। तो ये बहुत ही इनकी अभी अफोर्डेबल प्राइजेस भी हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से भी अगर देखा जाए, जो कि इसमें सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, केमिकल नहीं, तो इसके हवाले से ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड ऑर्गेनिक ब्रांड है, एंड मैं आपको ये ब्रांड जो है हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें और देखें कि इसके कितने मैजिकल रिज़ल्ट हैं, और आप इसको यूज़ करें और आप हमें बताएं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसे लगे। प्लीज़ काइंडली, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड एक्साइटिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर देखने को मिलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।